नमस्कार, न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त देश की बात का है। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। गठबंधन के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली पर चुनाव लड़ने वाली है, तो वहीं कांग्रेस को पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक की सीट मिली है। उसके साथ ही गोवा में दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं गुजरात की 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और दो सीटों पर आपके उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही हरियाणा की 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतरेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल आप कांग्रेस में बात बन गई है, लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो गया है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पंजाब में बात नहीं बन पाई है, कांग्रेस के साथ बंगाल में भी बात नहीं बन पाई है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पंजाब में बात नहीं बनी है और बंगाल में ममता दीदी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या यह समझा जाए कि गठबंधन मजबूत हो रहा है या भी गठबंधन को और ज्यादा कवायद करने की जरूरत है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। इससे पहले अगर देखा जाए तो यूपी में भी कांग्रेस के साथ सपा गठबंधन बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पतन हो रहा था वो अब धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये इंडिया गठबंधन एनडीए के सामने टिक पाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहना था उनका। कि दो दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ, उसकी घोषणा लखनऊ से हुई। समाजवादी पार्टी को एक सीट लोकसभा की खजुराहो ये मध्य प्रदेश में देने का भी ऐलान लखनऊ से किया गया। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। धन्यवाद मुकुल जी, आप सबका स्वागत है। तो सीटों के बारे में मुकुल जी ने सारे स्टेट्स का डिटेल में बता दिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरी देश की जनता बेरोजगारी महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट।
तो दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा में बात बन गई है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पाई है। पंजाब में गठबंधन नहीं होगा। इसके अलावा अगर कांग्रेस के हम देखें तो कांग्रेस की यूपी और दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा सब जगह बातचीत सही चल रही है गठबंधन के तहत, लेकिन बंगाल में और पंजाब में कांग्रेस को जगह मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था जिसके तहत कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर और सपा मध्य प्रदेश में एक सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आकर ये दम भरते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए को हम पीछे छोड़ देंगे। कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा, क्या ये फॉर्मूला सटीक साबित होगा, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। एक बहुत ही सम्मानित पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। डॉक्टर परमवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और कुछ ही देर में आप प्रवक्ता संजीव निगम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर परमवीर जी, ये जो आप और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, आज साझा प्रेस वार्ता दोनों ने की है। देखिए, दिल्ली में भी बात बन गई है, हरियाणा में भी बात बन गई है, गुजरात गोवा में बात बन गई है, पंजाब में क्यों पेच अटक रहा है? पंजाब में ऐसा क्या है कि यहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है? काजोल जी, देखिए, आम आदमी पार्टी नई नवेली पार्टी है, बहुत जल्दी छोटे से ऊपर राइज करके पहुंची है ये। तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी जोड़ तोड़ करते की राजनीति करने में और लोगों को कन्विंस करने में एक स्टेज शो के माध्यम से बहुत माहिर है, लेकिन पंजाब के अंदर हालात दूसरे हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस से लोग ट्रस्ट से, जो कांग्रेस को हटाकर वो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के विकल्प के रूप में लेकर आए थे, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ जो पुराना एक इतिहास चला आ रहा है पंजाब के अंदर, चाहे वो 84 के रायट्स के हो, चाहे SYL कनाल का हो, तो उसमें नुकसान आम आदमी पार्टी को ही था। कांग्रेस और जो हमारे जिस पिच के ऊपर भगवंत मान जी ने पूरा मैच खेला था, वो पिच पूरी एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी और एंटी अकाली दल थी। तो अभी वहां पर उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन जब करेंगे तो हो सकता है वोटर असहज हो जाएगा। वहां बार बार इस हर क्वार्टर से आवाज उठती थी कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो सकता आम आदमी पार्टी का और उसका, तो मुझे लगता है इसका इसी जोड़ तोड़ को देखते हुए काम करा गया है और इसका आगे परिणाम कितना सफल या असफल होगा वो देखने की वाली बात होगी, क्योंकि गठबंधन हो जाना अलग बात है। गठबंधन केवल नेताओं का होता है, देखिए, ना तो पार्टी का गठबंधन हो रहा है ना ही वोटर का गठबंधन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी या राहुल गांधी जी एक मेज पर आ सकते हैं, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी एक टेबल पर आ सकते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता और वोटर का मेज पर आना बहुत जरूरी होता है। हमने देखा था कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करी गई थी यूपी के अंदर भी, सपा बसपा कांग्रेस तीनों इकट्ठे लड़े थे, तो रिजल्ट सबके सामने थे। टीवी शो पे हूं मैं, फ्री होकर कॉल बैक करूं आपको प्लीज। तो डिबेट देखना बाद में रहेगा कि कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं होता, लेकिन अभी की बात जो है ये वो देखने वाली बात की रहेगी, क्योंकि भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक प्रयोग है। इस जैसे एक्सपेरिमेंट होता है ना, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आएगा वो देखने वाली बात होगी। और हमने देखा है इस तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति में बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाती है बाद में। जी काजल जी, ठीक है। भरत साहब, 3 सीटें आपको मिल रही है गठबंधन के तहत दिल्ली में, पंजाब में एक भी सीट आम आदमी पार्टी देने के लिए तैयार? आवाज क्लियर नहीं आई। अब आ रही है मेरी आवाज? भरत जी, अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ जी, बोलिए। भरत जी, दिल्ली में 3 सीटें आपके पास आ रही है गठबंधन के तहत, पंजाब में एक भी सीट देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है। देखिए, पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब को समझने की कोशिश करें, ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि आवाज को ठीक कर दीजिए। ठीक है, प्रदीप जी, क्या मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? प्रदीप जी, ठीक है, चलिए, शायद कुछ इशू है। निगम साहब का रुक कर लेते हैं। संजीव निगम जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, आई एम गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली, यस। बताइए संजीव निगम साहब, पंजाब में आपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, ठीक है, लोकसभा के लिए आप लोग एक भी सीट किसी और को देने के लिए तैयार नहीं है, गठबंधन है, उसके बावजूद भी पंजाब में वो गठबंधन नजर नहीं आ रहा है।
तो क्या आम आदमी पार्टी को ये डर है कि क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूत रही है पंजाब में हमेशा से ही, यही वजह है या फिर कुछ और वजह हो सकती है? मैडम मैं आपको बता देता हूं, देखिए ना कोई डर ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। आप गठबंधन का जो मूल वजह है वो आप जरा समझिए, गठबंधन क्यों किया जा रहा है उसके पीछे एक और सिर्फ एक ही कारण है कि वर्तमान में जिसने सत्ता संभाल रखी है केंद्र में भाजपा सरकार को शिकस्त देना है। दिल्ली में सात की सातों सीटें भाजपा के कब्जे में है, अभी पहले भी थी, तो उनसे उन्हें उखाड़ के फेंकना है। उसके लिए हमें क्या क्या जतन करने पड़ेंगे, हम लोगों ने किया है। पंजाब में कितनी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में सीटें हैं आप ये हमें बता दीजिए, तो पंजाब में नहीं है ना भाजपा के कब्जे में। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है भाजपा को शिकस्त देना। क्यों, इनका काम इनसे ना ये कोई चुनाव होता है सही ढंग से, ना इनसे कोई एग्जामिनेशन होता है। चंडीगढ़ का मामला आपने देखा है कैसे करारा तमाचा मारा। आज की ताजी बात करता हूं, अभी पिछले शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, संभाल नहीं पाई, दोबारा से कराना पड़ा, इनसे कोई एग्जाम ही नहीं हो पा रहा। क्या है आपका मैनेजमेंट, आपका इतना एडमिनिस्ट्रेशन है? आ तो गया संजीव जी, आ तो गया फैसला। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? एक्शन तो लिया गया। नहीं, बात एक्शन की नौबत क्यों आई? नहीं, बात एक्शन की नहीं, एक्शन की नौबत क्यों आई जब पूरा उत्तर प्रदेश का नौयुवक टूट पड़ा जाकर, तब आपने एक हफ्ते बाद एक्शन लिया। आपने अपने आप एक्शन क्यों नहीं लिया भाई? आपका तंत्र क्या कर रहा है? ना खुफिया तंत्र है, ना पहले से कोई मैनेजमेंट है। हाँ देखिए, 2-3 करोड़ में और 24 करोड़ में फर्क होता है ना सर? बिल्कुल हाँ, ये तो नमूने से समझ में आ गया। कहीं पर भी आप जाए कोई सैंपल लेते हैं, कहीं पर भी कुछ भी आप सैंपल में ये हाल है तो आगे होगा वहां ईश्वर मालिक के आगे क्या क्या ये करते होंगे और इनके करने की प्लानिंग है। उस हिसाब से तो ये 400 क्या ये पूरे 500 पार भी ला सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य जो ये गठबंधन का है, मैं बात गठबंधन की कर रहा था, एक और सिर्फ एक है कि इस सरकार को अपदस्थ करना है केंद्र से और उसका एक विकल्प देना है जनता को। तो पंजाब भी बहुत साफ है, कोई दिक्कत नहीं, वहां भाजपा के लोग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस लड़ रही है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या हम लोग वहां पर लड़ेंगे ना एक दूसरे को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जहां पर हो सकता है दिल्ली में आपके सामने है, हरियाणा में है, गोवा में है, गुजरात में है, आपके सामने वो स्थिति सीख है। तो जो मुख्य उद्देश्य है उसके गुजरात में भी कहा जाए तो जिस सीट को लेकर आप लगातार कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे थे और कहा जा रहा था कि ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, भरूच सीट उस वो भी आपको मिल गई है, अब तो संतुष्टि हो गई होगी आम आदमी पार्टी को? हाँ भाई, भरूच लोकसभा सीट के अंतर्गत एक विधानसभा सीट से हमारे विधायक हैं वहां पर, तो वो मजबूती से वहां पर उसकी तैयारी भी कर रहे हैं और वहां पर भी हम लोगों को जो है हम वहां पर इनको एक चुनौती के रूप चुनौती देंगे। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस प्रकार से हम आगे इस देश को एक सही दिशा में ले जाएं, क्योंकि इस समय देश भ्रमित है, हर एक लोग परेशान है और यही एक सही मौका है। आप कैसे कह सकते हैं कि पूरा देश भ्रमित है? आपके सामने आप देखिए ना, अगर ऐसा होता तो 2019 एक बार जनता ने सत्ता परिवर्तन करके देखा, 2019 में और ज्यादा सीटों के साथ थोड़ी ना सत्ता में आ जाती है एनडीए। चंडीगढ़ में देख तो लिया ना आपने, चंडीगढ़ में देख लिया, ये इनका काम करने का तरीका है ना। चंडीगढ़ अलग अलग मुद्दा हो जाता है वो, ठीक है, उससे पहले के जो चुनाव अभी 5 राज्यों में हुए उसके भी तो नतीजे आप देखेंगे या नहीं देखेंगे? नहीं नहीं भाई, ये जहाँ पकड़े नहीं गए, जहाँ बच गए, जहाँ कहीं नहीं पाए तो बच गए, काम तो हो रहा है इनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्चा होती है देश में, हम लोगों ने आपने देखा होगा दिल्ली विधानसभा में भी एक बार चर्चा किया था कि किस प्रकार से ईवीएम के साथ होता है, तो होता है करते हैं, लेकिन वहां उसके सबूत स्पष्ट रूप से नहीं आए, जहां आए वहां इनको मिली और जहां हम नहीं दे पाए या लोग नहीं पेश कर पाए, करते तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, है। ये अपनी उससे बाद नहीं आएंगे, ठीक है, ठीक है। इसका एक तरीका है कि जब लोग मिल करके लड़ेंगे तो कुछ नतीजा बेहतर होगा। प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, चंडीगढ़ में जो हुआ उसको लेकर लगातार विपक्ष का पलड़ा जो है ना वो भारी हो गया है, चारों ओर इसकी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा इसको लेकर बयानबाजियां हो रही हैं। विश्वास कैसे वापस जीता जाए? देखिए, न्यायालय में जाकर के मामला ये सुलझा, तो जनता को पहले ही विश्वास है कि अगर कोई गड़बड़ी होगी तो न्यायालय है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायालय है वहां पे इस देश में, और कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है।
ठीक है। अब आते हैं एक अपनी चर्चा जो है ये गठबंधन को लेकर के और गठबंधन के बाद की बातों को लेकर के। तो मैं एक बड़ा बढ़िया मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, एक तो आपने पंजाब का पूछ लिया कि भाई हर जगह गलबहियां हो गई, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मतलब जट्टे मान नहीं रहे, मतलब इस तरह की लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं, या ड्राइवर साहब का ईगो हर्ट हो गया जो ड्राइवर साहब वहां पे लेके, मतलब पायलट साहब बार बार उड़ा रहे हैं केजरीवाल जी को, एक पूरा सूबा और एक शहर, तो कैसे अप्रत्यक्ष रूप से नचाया जा रहा है, कैसे जनता के कर के पैसों का मजा केजरीवाल जी ले रहे हैं, ये सब जनता वहां देख रही है। एनीवेज आते हैं उस पे, तो दिल्ली की जो दिल्ली की सीट शेयरिंग है चार और तीन या जो भी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मतों को मिला करके भी ये पूरा नहीं कर पाए थे और 10% नीचे थे हमारे मतों से। तो ये आम चुनाव है, विधानसभा के चुनाव अलग हैं, मेयर के चुनाव अलग हैं, लेकिन लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो पूरा आईना सामने आ जाता है। गुजरात और गोवा अभी खुली है इनकी, इसको बोलते हैं भोनी हुई है, होने के बाद विधानसभा में हुई है, लोकसभा में देखा जाएगा, क्षेत्र बड़ा होता है और मतदाता का मन बड़ा हो जाता है, मतदाता और जागरूक हो जाता है, वो देश के विषय में सोचता है, राज्य क्षेत्रीय बातों को वो साइड करके सोचता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ज्योतिष नहीं हूं आम आदमी पार्टी वालों की तरह से जो कि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ भविष्यवाणी करते रहते हैं, और भी चर्चा में करें तो ठीक था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भविष्यवाणियां करते हैं, तो मैं कहा भैया देश के ज्योतिषों का आप जो है धंधा पानी छीनने में लगे हैं क्या, तो इंटरेस्टिंग होगा ये चर्चा करना कि दिल्ली में 400 प्लस बोल रहे हैं ना उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं लगातार। अरे 370 हमारे पिछले दो आम चुनाव को आपने रिजल्ट देखा होगा काजोल जी, देखा है, हम उस आधार पे कह रहे हैं, नहीं हम पिछले दो चुनाव के आधार पे कह रहे हैं, पिछले दो चुनाव में इन लोगों की क्या स्थिति थी उस पर भी एक बार देख लिया जाए तो शायद आपको मेरी बात में वजन दिखाई देगा। और हम लोग जो कह रहे हैं वो आपके कर्तव्य है निगम जी, चंडीगढ़ में जो हुआ निगम जी, अरे निगम जी किताबें बहुत अच्छी लगा रखी है पीछे आपने, लेकिन नीति एकदम वैसी नहीं है। अरे मैं आप बोलते तो मैं कहां बोलता हूँ, किताबों का सम्मान करिए, कम से कम जो वक्ता बोल रहा है उसको बोल लेने दीजिए, मैं तो नहीं बोलता हूँ, मुझे बड़ा काउंटर आता है पीछे बोलने का, लेकिन मैं आपकी उन पुस्तकों का सम्मान, नहीं मैं आपकी उन पुस्तकों जो बैकग्राउंड है जो फ्रेम में पुस्तकें हैं जो फ्रेम में पुस्तकें हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूँ आप ही के साथ, इसलिए आपके बारे में मैं पढ़ता हूँ जी 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 जी, उनका सम्मान है आपका सम्मान है, तो प्लीज इससे नक रख। तो वही मैं कह रहा था कि जब पंजाब की लड़ाई होगी जब लोकसभा चुनाव में वही नेता गुजरात और वहां से प्रचार करके पंजाब पहुंचेगा तो ये देखना रोचक होगा कि वो क्या पंच मार रहा है, क्या जनता को कह रहा है कन्विंस करने के लिए, क्या ऐसा कर रहा है जिससे कि जनता कंफ्यूज नहीं होगी। पंजाब में हम जो है अकाली दल के साथ हमारे अब तक तो वहां गठबंधन रहे हैं और कांग्रेस वहां पर मजबूत पार्टी मानी जाती थी और एक ये पंथी पार्टी जिसको कहते हैं जो कि अपनी दूसरी सुरजीत सिंह की भी पार्टी है अकाली दल, वो पार्टियां होती थी और कांग्रेस होती थी। तो कांग्रेस कैप्टन साहब के जाने के बाद की स्थिति क्या रही है और वो कितना क्या कर पाएंगे वहां पे बैठे बैठे ये भी देखना होगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो मैं सबसे ज्यादा रिएट्रेट करूंगा वो ये है कि क्या वही पोस्टर, क्या वही लाइनें, क्या वही पब्लिसिटी मटेरियल जिन्होंने दिल्ली गुजरात और गोवा और मध्य प्रदेश में इस्तेमाल किया वही पंजाब में भी इस्तेमाल किए जाएंगे, ये देखना बहुत ही उचित होगा, रुचिकर होगा, सॉरी उचित नहीं रुचिकर होगा। प्रदीप जी वापस लौटूंगे, कमेंट ले लूं मैं भरत जी से, फिर उसके बाद चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। भरत जी दिल्ली में तो तीन सीटें मिल गई, पंजाब में लेकिन हाथ खाली से नजर आ रहे हैं, लेकिन पंजाब कहा जाए तो कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ रहा है हमेशा से ही, और दिल्ली भी, लेकिन धीरे धीरे आम आदमी पार्टी आप ही के सहयोगी दल ने आपको धीरे धीरे खदेड़ना शुरू कर दिया। तीन सीटें, ये चार भी हो सकती थी ना कांग्रेस के खाते में, क्योंकि कांग्रेस तो लोकसभा में भी मजबूत वहां रही है। अनम्यूट करिएगा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट, हाँ अब आ रही है आपकी आवाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस तरह से प्रश्न पूछे। देखिए ऐसा, पहले तो मैं राजीव जी आपको बधाई दे दूं, निगम साहब
और प्रदीप भी आपको इसलिए बधाई की दे दूं क्योंकि आप बहुत जोर तोड़ने लगे थे कि किसी तरह से गठबंधन ना हो, लेकिन गठबंधन हो गया, आपकी दुर्गी बढ़ गई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब आइए मुद्दे पे। देखिए सवाल ये नहीं है कि 3 सीट और 4 सीट, छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन। सवाल यह है कि इस समय चुनाव मिलकर पूरा पूरे देश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को किस तरह से हटाना है, ये हम सभी को सोचना था और हम लोग सोचे। उसमें काजोल जी आपकी तरफ से बहुत सारे प्रश्न भी किए जा रहे थे, बहुत बार मैं डिबेट में बैठा हूं कि अरे देखिए यहाँ पे दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने ना कह दिया, वहां पे ना कह दिया, ममता दीदी ने ना कह दिया। ममता दीदी भी मानेंगे, केजरीवाल जी भी मान गए। चलिए सवाल ये नहीं है कि कौन किस सीट पे लड़ रहा, कौन कितनी सीट पे लड़ रहा, सवाल यह है कि हम किस तरह से लड़ाई और किसके लिए लड़ रहे हैं। हम देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं और भाजपा देश के उद्योगपतियों के लिए लड़ रहे हैं। ये फर्क है भाजपा में और हमारे इंडिया गठबंधन में। हम देश की चिंता करते हैं और भाजपा अपने मित्रों की चिंता करते हैं। देश की जनता की अगर उनसे चिंता होती तो शायद प्रदीप जी ने कहा कि हम तो अभी 2 बार चुनाव जीते हैं इसलिए हमें ज्यादा सीट मिलेगी, हमने विश्लेषण किया था 300 मिलेगा 370 मिलेगा। काजल जी इसमें लोगों ने पहली बार सुना कि देश में महंगाई का जो तड़का दिखाया था भाजपा ने कि किस तरह से महंगाई बढ़ गई है, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है, तो देश की जनता को लगा कि एक नया आदमी आ रहा है और बहुत ही अच्छा काम करेगा और हमें जो है सहूलियत देगा। मगर देश की जनता ने जब देखा कि 5 साल में कुछ हो नहीं पा रहा है, फिर ये रोते जाते दूसरे चरण में आते हैं और दूसरे चरण में कहते हैं कि देखिए 5 साल तो बहुत कम पड़ गया था इस 70 साल को सुधारने में, तो मुझे 5 साल का समय और दे दीजिए। तो देश की जनता ने कहा चलो भाई ठीक है 5 साल का समय है और दे दिया जाए। उस 5 साल के समय में अब जो स्थिति देश की आ गई है कि महंगाई बेरोजगारी अपने चरम पे आ गई, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री को 80 करोड़ जनता को राशन देना पड़ रहा और ये कहना पड़ रहा है कि देश की 80 करोड़ जनता जो है वो भुखमरी की कंगाली की स्थिति में आ गई है, इसलिए हम उसका पेट पाल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि पेट प्रभु श्री राम सबका पालते हैं, भगवान पालते हैं। ये तो पहला ऐसा जो है मैं इंसान देखा कि जो कि कहता है कि 80 करोड़ जनता को अगर कोई पाल रहा है तो देश के प्रधानमंत्री पाल रहे हैं। तो ठीक है भाई, इस स्थिति में कौन पहुंचा है देश के 80 करोड़ जनता को? कैसे 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है? तो ये सारी चीज देश की जनता समझी कि देखिए ये जुमलेबाज लोग हैं, ये जो है झांसा देने वाले लोग हैं, क्योंकि इनका जो है ताला आसाराम से पड़ा था इसलिए लोग ने झांसा देना शुरू किया, एक तरफ आसाराम एक तरफ झांसाराम। तो ये स्थिति आ गई है काजोल जी कि देश की जनता अब समझी है इनको 370 नहीं 400 सीट नहीं, इनको जो है 40 सीट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 40 देंगे अगर इंडिया आएगी और इंडिया के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेता राहुल जी जहां जहां जो जो वादे किए, चाहे वो हिमाचल की बात ले लीजिए, कर्नाटक की बात ले लीजिए, तेलंगाना की बात ले लीजिए, हमने जो वादे किए थे पूरा किया। इसी चुनाव में पता चल गया काजोल जी, जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा हम 450 का गैस सिलेंडर देंगे, उसके बाद इन्होंने राजस्थान में कहा गैस सिलेंडर 450 में देंगे, और उसके बाद इनकी जो है फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी कहती है ये संभव नहीं है क्योंकि हम तो चुनाव जीत गए हैं और चुनाव जीतने के बाद हम जो कहते हैं वो करते नहीं है। तो ये स्थिति में अगर ये 400 सीट लाते हैं, फिर मैं आज कहता हूं आपको कि ईवीएम पे हमें अभी भी भरोसा नहीं है। आप कितना भी कह लीजिए, कहेंगे कि रोना धोना, कोई रोना धोना नहीं है। अगर ऐसा है तो वो मसीह का याद करिए कि किस तरह से इस तरह से देखिए सीसीटीवी कैमरा में क्या क्या झूठ खिलाया गया और कहते हैं क्या पता है आपको कि न्यायालय है। अरे प्रदीप जी आपको शर्मानी चाहिए कि न्यायालय तक क्यों जाना पड़ा, क्यों आपका जो है पिट्ठू मसीह जो बैठ के और धांधली कर रहा था, ये आप करवा रहे थे। और मैं कहता हूं काजोल जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए अगर सही तरह से जांच हुई, बड़ी मछली तो अभी कहीं और बैठी है, वो मछली भी सामने आएगी। मसीह तो ये ज्यादा है, असली मछली कहां पे है? ये शायद मुझे लगता है कि जब तक भाजपा की सरकार होगी तो मुझे लगता है कि ये सामने नहीं आएगा। अगर आ गया तो मैं आपको चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहता हूं कि केंद्र की सरकार गिरेगी।
ठीक है ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए परमवीर जी। परमवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शायद भरत जी जब मुफ्त राशन का जिक्र कर रहे थे तभी परमवीर जी ने हाथ उठाया था कि हाँ मैं कुछ कहना चाहते हूँ। परमवीर जी, काजोल जी, मेरे घर पे अखबार आता है दैनिक जागरण, कई सालों से आता है और मैं ज्यादा करके शाम को न्यूज जब देखता हूँ खुद देखता हूँ, मैं एनडीटीवी देखता हूँ। अखबार की बात करूं, एनडीटीवी की बात करूं, मैं एक एडवर्टाइजमेंट देखता हूं पंजाब के भगवंत मान जी श्रीमान मुख्यमंत्री वहां के, उनका तकरीबन बार बार एडवर्टाइजमेंट आता है, लोगों ने देखा होगा। तो वहां पर पंजाब में एक स्कीम चल रही है, वहां पर राशन तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा और उसको लेने जाने की भी जरूरत नहीं है, वो राशन सरकार हर महीने घर पर देकर जाएगी अपने, और भगवंत मान जी बांटते भी घूमते हैं और देकर भी आते हैं। अच्छा कदम है, तो अच्छी बात है। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े पेज, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहां पर उस पेज की कीमत ही मेरे ख्याल से एक दिन की 10-10 लाख ना होती हो, पूरे फ्रंट साइज का बड़ा पेज होता है, उसमें पंजाब में वो क्या क्या फ्री दे रहे हैं उसका विश्लेषण दिया हुआ होता है। चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी राजनीतिक दलों का ये हाल है। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस ने महंगाई राहत शिविर शुरू किए थे गहलोत जी की अगुवाई में, और उसके बाद चुनाव का रिजल्ट आया था कि भाई यही सिलेंडर सब हो रहा था, और राजस्थान लोकल चुनाव था एमएलए, उसके बाद रिजल्ट आया था। फिर उसके बाद अभी हम देखते हैं इंदिरा जी का नारा था, ना जात पर ना पात पर, वोट लगेगी हाथ पर। अभी पिछले दिनों मुझे एतराज था, एक हमारे पत्रकार बंधु साथ में, उनके साथ मारपीट हो गई, चाहे वो कंफ्यूजन था जो था, लेकिन जातवाद पूछी जा रही थी एंकर टीवी चैनलों के मालिकों की। चौथा जो मेरा एतराज है वो लगातार एक देश में खाई पार्टी जा रही है कि कृषक समाज वर्सेस उद्योगपति या व्यापारी। अब आप ये देखिए कि क्या कृषक ही मतलब कृषक सम्मानित है, उद्योगपति कोई गलत तो है नहीं, ये कोई सब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाहर से आए हुए तो लोग है नहीं, ये भी यहीं के लोग हैं, स्टार्टअप्स का टाइम है। बहुत सी ऐसी कंपनी पिछले 15-20 साल में उठी है जो कुछ लाख रुपए से शुरू हुई थी, कई 100 करोड़ की है, साधारण लोग हैं बिल्कुल। नारायण मूर्ति जी जिनकी बेटी, जिनके दामाद हैं अभी इंग्लैंड के राष्ट्र प्रधानमंत्री, उन्होंने अपना व्यापार आज से 40 साल पहले शुरू किया था। अब आप एक खाई जो पार्टी जा रही है ना उद्योगपति वर्सेस कृषक समाज की, ये देश को खोखला कर देगी। देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर बार 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 आघात किया जाता है, ईवीएम खराब है, कान पक जाते हैं। चुनाव आयोग बुलाता है वहां पर सभी पार्टियों कि आइए सिद्ध कीजिए इसको, विधानसभा के अंदर से कहा जाता है क्योंकि मालूम है कि विधानसभा में कहीं भी बात के ऊपर केस नहीं हो सकता कहीं पर, आप चुनाव आयोग में जाइए। आप पीआईएल कोर्ट में लगी, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगी थी, मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थूथू, कोर्ट का कोई फैसला आता है सरकार के विरोध में तो कोर्ट अभी है, न्याय जिंदा है, कोर्ट का फैसला कहीं नहीं आता तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो ऐसे नहीं होगा। यही ईडी यही सीबीआई का भी तोता लगती थी, आज काम करती है तो बार बार समन्स आते हैं, नहीं जाया जाता। मैंने कल एक खबर पढ़ी थी, बार बार बीजेपी का नाम आता है, बीजेपी का कहते हैं, बीजेपी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, आरएसएस है। आरएसएस की मैंने पढ़ी है पृष्ठभूमि, उनके यहाँ संघ चालक और संघ कारवा की व्यवस्था होती है, हर प्रदेश में हर अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं। दिल्ली के एक मशहूर ज्वेलर है, उनके जो पिता है या कोई है वो संघ चालक थे दिल्ली प्रदेश के, दिल्ली प्रांत के, मतलब बहुत बड़ी पद होती है, उनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा लगता है, पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, कहीं का खबर में भी नहीं आता, कहीं कोई हो हल्ला नहीं होता, कहीं कोई प्रदर्शन हो रहे हैं, काले झंडे दिखाई जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अब मैंने जो इतनी सारी बातें कही ना, मैंने बीच का रास्ता देखने के लिए बात कही है कि आप विपक्ष बार बार कह रहा है कि एक हम टीवी डिबेट को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि देश में हाहाकार मचा हुआ है, नौकरी नहीं है कहीं पर, कुछ नहीं है, कि गृह युद्ध की स्थिति है, लेकिन बाहर निकलती चीजें पलट जाती हैं तो एक वोटर कंफ्यूज हो जाएगा। साहब देखिए, बीजेपी ने जब सत्ता आप कांग्रेस से यूपीए से वापिस छीनी थी, छीनी नहीं कहा जाएगा, डेमोक्रेसी छीना कुछ नहीं होता, जनता देती है, उस समय जितने भी घोटालों के आरोप यूपीए पर लगे थे उनकी सीबीआई की जांच यूपीए सरकार के रहते हो गई थी, चाहे वो कोला स्कैम था, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम था, तो वहां पर कोई ऐसा नहीं हुआ था, उसी समय पर आ गया था। तो बीजेपी दिखाती है या एनडीए दिखाता है कि हम ये घोटाले नहीं होने देंगे, ठीक है, ईवीएम पे रोना रो रहे हैं और वो संविधान पे भरोसा नहीं है, हम संविधान पे कैसे भरोसा कर ले भाई, चंडीगढ़ में क्या हुआ ये खुल्लम खुल्ला पूरा देश ने देखा, उसके बाद में बेसरमी इसकी हद हो गई कि जो है जेपी नड्डा जी तुरंत जो है वो ट्वीट कर देते हैं कि देखिए हमारी मजबूती के साथ जीत हुई, वहां जीते नहीं गया, यानी कि कहीं ना कहीं
पूरी तरह से मिलजुल के ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। और जब एक छोटे से मेयर के चुनाव में इस तरह से भाजपा षड्यंत्र रचती है तो क्या मैं कहूं कि ईवीएम पे जो है नहीं करेगी वो घपला, क्या कहूं कि मैं वो 400 सीट पे घपला नहीं करेगी, ये कैसे संभव नहीं हो सकता है भाई। तंत्र मंत्र तंत्र यंत्र सब कुछ आपके पास है, सब कुछ जो है आपके पास इसलिए होता है क्योंकि आप सत्यपाल मलिक बोलते हैं तो आप उनके खिलाफ जो है वो सच बोलते हैं तो उनके खिलाफ आप सीबीआई की इंक्वायरी बिठा देते हो। ऐसे कितने भाजपा के नेता हैं जो कि आज घोटालों में फंसे हैं, आप उनको मुख्यमंत्री बना देते हो, मुख्यमंत्री बना देते हो, केंद्रीय मंत्री बना देते हो, लेकिन जांच नहीं करवाते हो। तो सवाल तो उठेगा ना, दाग तो लगेंगे ना, लेकिन उस दाग को कैसे धोया जाए ये तो आपको साबित करना चाहिए। आप तो कहते हैं नहीं सब कुछ चंगा है, चंगा कहा है, 400 सीट लाने के लिए चंगा है कि आप घपला करेंगे, इस तरह से नहीं होता है, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है भरत जी, वापस लौटूंगी आपके पास। संजीव जी कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा ग्राफिक्स जरिए समझ लेते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी और यहाँ कांग्रेस के बीच डील पक्की हुई है। एक बार ग्राफिक्स जरिए समझ लेते हैं। तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, कांग्रेस 3 सीटें, चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और आम आदमी पार्टी 4 सीटें, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली पर यहाँ मुहर लग गई, डील पक्की हो गई। 2019 चुनाव 7 सीटें बीजेपी के खाते में। देखिए नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हंसराज हंस, पश्चिमी दिल्ली से परवेश शर्मा, दक्षिणी दिल्ली से रमेश भदूड़ी, चांदनी चौक से यशवर्धन, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से मनोज तिवारी, पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर, ये थे कैंडिडेट्स जो 2019 में जीते। 2019 के चुनावी नतीजे क्या कहते हैं, देखिए सीटें 7 थी और 7 के साथ जीत गई बीजेपी। 58% वोट प्रतिशत रहा कांग्रेस का, 22, आम आदमी पार्टी का 18। गोवा में कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ेगी, आम आदमी पार्टी 1 भी सीट पर नहीं है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी 1 सीट पर, कांग्रेस को कुछ नहीं। गुजरात में 24 सीटों पर कांग्रेस, 2 पर आम आदमी पार्टी। पंजाब में किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं। ठीक है, तो वोट शेयरिंग पर एक नजर डालूं मैं 2019 के जो चुनाव हुए थे उस पर। संजीव जी आपसे पूछूंगी, देखिए 58% तो बीजेपी का रहा वोट शेयर, 58 से ज्यादा थोड़ा, इधर कांग्रेस का 22% से ज्यादा रहा है, आम आदमी पार्टी का 18% रहा, तो क्या लगता है दोबारा से आम आदमी पार्टी पर आम जनता वोट शेयर ज्यादा होगा क्योंकि अब तो कांग्रेस भी साथ है, क्या उसका वोट शेयर आम आदमी पार्टी खींचेगी? क्या आपको लगता है कि ये जो आप 58% बता रही हैं, ये 58 से 48 नहीं होगा, 48 से 38 नहीं होगा, बिल्कुल ये मतलब कोई पत्थर की लकीर हो गई है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम लोग भी रहते हैं बाहर, हम लोग भी देख रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता जो प्रदीप जी बता रहे थे कि वो मामला तो चंडीगढ़ वाला न्यायालय में है जी। अरे न्यायालय से फैसला हो चुका है, न्यायालय आप लोग काम ऐसा क्यों करते हो जो कि रंगे हाथों पकड़े जाते हो? भाई हम तो नहीं पकड़ के लाए ना, कैमरे में रंगे हाथों वो हेराफेरी करते हुए पकड़े गए ना, और न्यायालय ने एक वर्डिक्ट अपना सुना दिया। तो आपका एक बार आपको याद होगा प्रदीप सिंह जी, आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था जो उस समय बंगालू लक्ष्मण जी, उन्होंने भी कैमरे में किया था। तो आप जब पकड़ गए तो रंगे हाथों पकड़ गए, नहीं पकड़े तो देखो अब नहीं, एक बार ही हो गया, दो बार ही हो गया, अब लोग समझ रहे हैं। तो ये 58 से गिर करके 48 और 38 की ओर जा रहा है, बढ़ने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक बारी दो बारी लोग धोखा खा जाते हैं। अरे रुक जाइए आप, थोड़ा सा सब लीजिए प्रदीप जी, जो मैं ये कह रहा था, आप देश किस तरफ ये ले जाना चाहते हैं लोगों ने देख लिया, आपको जनता से मतलब नहीं। इन्होंने ऐसे ऐसे सांसद बिठा, हंसराज हंस जी जिनका जमीन से दिल्ली में कोई लेना देना नहीं है, पूर्वी दिल्ली में क्रिकेटर है, उनका जमीन में कोई लेना देना नहीं, वो आसमान में उड़ा करते हैं अपना खेल से उनका। तो ऐसे ऐसे लोगों को बिठा रखा है, वो जमीन पे लोगों का, जमीन पे लोगों का काम करिए, कल्याण करिए, कुछ नहीं काम करना आप, बस रातों दिन 370 आना है, नहीं आने वाली है 370, नहीं आएंगे 370, हमें मालूम है। संजीव निगम साहब ऐसा क्या हाथ लग गया है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं? बात हाथ लगने की नहीं है, ये जो कॉन्फिडेंस है ये हम लोग भी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, चारों तरफ लोग उबे हुए हैं कि अरे भाई आज ताजा, आप लोग मानने को तैयार है? मुझे कभी कोई तकलीफ ये होती है हमारे मीडिया के साथी जब नहीं मानते। नहीं, मैं तो मानने के लिए तैयार हूं, आपको मैं तो सोशल मीडिया पे देखती रहती हूं। आपको मैंने उत्तर प्रदेश का एक हवाला दिया, इतने दिनों में इन्होंने पुलिस की भर्ती निकाली और बच्चे हमारे कहां कहां से, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे राज्य से इस राज्य में आ रहे हैं, पैसा बर्बाद किया उन्होंने, अपना समय बर्बाद किया, कौन भरपाई करेगा उनकी? आपसे संभाला, आप जब
तो किसी भी आप लोग भी तमाम तरह के सर्वे करते होंगे तो सर्वे में एक छोटा साइज ही तो लेते हैं कि पूरे जितने जितने वोटर्स होते हैं उनके साथ जाकर के आप बात करते हैं। तो ये चंडीगढ़ वाला मसला है या तमाम ऐसे ये एक सैंपल के रूप में आ गया है, इनकी चोरी वोटों की पकड़ी गई है रंगे हाथों। संजीव, तो इससे हम लोग सारे अलर्ट है। ठीक है संजीव जी, चंडीगढ़ की हुई है वो तो अलग है। ठीक है प्रदीप जी, आपका रुख करूंगे, बस एक सवाल संजीव जी से ले लूं। संजीव जी, अभी आपके सहयोगी भरत जी बहुत वरिष्ठ हैं, आप सभी जिक्र कर रहे थे ईवीएम का कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं ईवीएम पर भरोसा नहीं विपक्ष को, लेकिन जब दिल्ली में आपकी सरकार बनती है उसी ईवीएम से, जब पंजाब में आपकी सरकार बनती है ईवीएम से, जब हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाती है, जब कर्नाटक में सरकार बनाती है, तब ईवीएम पर भरोसा हो जाता है आप लोगों को? संजीव जी, अरे भरत जी, आपकी बात, आपकी बात सही है, लेकिन सवाल यह है बहुत चेतन बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। ये लोग ऐसा नहीं है, 2014 में अलर्ट नहीं थे या अभी जो पांच राज्यों में चुनाव हुए उसमें अलर्ट नहीं थे? नहीं नहीं, सब कुछ सही है, आपको बातें सही है, हो रहा है, लेकिन हमेशा एक शंका के कॉन्फिडेंट नहीं है ना, एक शंका बनी रहती है मन में लोगों के बीच में कि हम वोट डाल के आएंगे, आपका रुख करते हो तो अभी ये फुल प्रूफ नहीं है, इसमें भयभीत रहते हैं सब लोग। एक ऐसा जो है करना चाहिए, ठीक है अच्छी बात है हो गया है हुआ है, लेकिन एक भयभीत वाली कही आप एक जिता दो। ठीक है ठीक है ठीक है संजीव जी, बहुत देर से प्रदीप जी भी इंतजार करें, भरत जी फिर मैं रुक करती हूँ आपका। प्रदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनको सुन लेते हैं, भाजपा को मौका ही नहीं मिल रहा बोलने का। अरे कोई बात नहीं है काजोल जी, हमें जनता मौका दे रही है पिछले दो आम चुनाव से और हमें आगे भी मौका मिलेगा। देखिए क्या है ना कि संजीव भाई तो थोड़ा ना अरविंद केजरीवाल जी की छाया पड़ गई है, खिलाड़ी का लेवल है गली क्रिकेट का और खिलाड़ी सपने देखता है छक्का मारने की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की, तो कोई बात नहीं, देखिए सभी स्वतंत्र है, अच्छे सपने देखें और उनको पूरा करें, ये सभी भारतीय का अधिकार है। लेकिन जब उसका ओवर हो जाता है ना, ओवर ओवर तो कहने के तात्पर्य है कि अभी गाड़ी में तेल है 10 लीटर का और आप यात्रा करने चल रहे हो 5000 किलोमीटर की, तो भाई देखना चाहिए समझना चाहिए और फिर उसके बाद बोलना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि हम लोग भी यूज टू हो गए, और मैं भी दिल्ली में ही रहता हूं तो दिल्ली की जनता भी यूज टू हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और उनके पार्टी के कार्यकर्ता अब ये बता देते कौन कहां से आ गया कौन कहां से आ गया, जमीन पे उतरिए। तो मैं पूर्वी दिल्ली की बात बता दूं, उनकी 5 रसोईयां चलती हैं जिससे 1 रुपए में खाना दिया जाता है, वो किसी सरकारी चंदे से, पूर्वी दिल्ली के जो सांसद हैं वो किसी सरकारी पैसे से नहीं चलाते हैं, वो अपने पैसे से चलाते हैं। तो शायद आपको अगर नहीं पता है तो जान लीजिए जमीनी हकीकत की जो बात आप कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो आए थे कार नहीं लेंगे मकान नहीं लेंगे, अब शीश महल बन गया है ना, वैगनार थी, वैगनार देने वाले ने मांग ली तो फिर जबरदस्त हो गया। आप तो भाई साहब कौन सी प्लस सिक्योरिटी है उनकी पंजाब पुलिस से मिली, भाई दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी उनकी क्या कम थी क्या पंजाब से आप लेने चले गए, वहां के करदाताओं के संसाधनों का दुरुपयोग दिल्ली में हो रहा है। तो खैर सभी भारतवासी भाई भाई हैं, सभी कहीं से भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कैसा सांकेतिक तमाचा आप मार रहे हैं पंजाब की जनता के ऊपर। तो जहां तक आपकी ये धरातल वाली बात है वो अच्छी नहीं लगती संजीव भाई, आप देखिए बहुत सारे प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के लेकिन बड़े विनम्र आप हैं, लेकिन आपसे ये अतिशयोक्तियां जो है अच्छी नहीं लगती, उस स्थिति पे अच्छी एकदम नहीं लगती। जनता को छोड़ दीजिए, अभी जनता की बात आप कर रहे थे तो जनता तो भाई साइलेंट अपना वोट दे देती है और उसने गुजरात में भी दिया था, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी उस समय, सिसोदिया जी जेल में नहीं थे, क्या बढ़िया डायलॉग कितना सदा हुआ डायलॉग मारते थे। जहां तक रही कांग्रेस की बात तो कांग्रेस ने 25 सालों से हालत खराब है गुजरात में, और आप बात करते हैं कि हमारी मेहनत की हुई हमारी सीट हमारी सीट, तो कहने का तात्पर्य काजल जी ये है कि जब इंडी गठबंधन बनने से लेकर अब तक इस परिणति तक पहुंचने की ओर दो पार्टियों का ठीक से समझौता हुआ, वो भी पूरी तरह से धरातल पे नहीं है, एक समाजवादी पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी, मजबूरी वाला समझौता है और इतना समय निकल गया। तो जनता ये भी सब देखती है कि नेतृत्व की क्षमता किसके पास है, बातें कर लेना, महंगाई की बात ये लोग स्टूडियो में करते हैं और बाहर करते हैं, जब सदन में चर्चा होती है उन सबों पर तो पता नहीं मुद्दों को क्यों भूल जाते हैं और अपनी जिद पे आ जाते हैं कि यही मुद्दों पे चर्चा हो यही मुद्दों पे चर्चा हो, और सदन को स्थगित कराने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो जो काम जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है, बाकी सारे काम हो रहे हैं जो समय की मांग नहीं है। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, मुझे मेरा काम है आपके सवालों का जवाब देना, और उन्हीं के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का अति उत्साह और कांग्रेस की मजबूरी वाली ये गठबंधन
ये सफल नहीं होने वाला है। ये भी जनता के किसी नागरिक से मैंने सुना और उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो चल रहा है, चलने दीजिए एनडी गठबंधन के। और अभी देखिए क्या है, जब से एनडी गठबंधन बना तब से लेके अब तक 6 से 7 महीने हो गए और दो पार्टियों का गठबंधन हुआ। अब जब बनने में इतना समय लगा तो क्या चुनाव के बाद उसको उतारेंगे, नेचुरलाइज करेंगे? काम की गति भी दिखती है। और समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जिसका आधार है, और उत्तर प्रदेश में पिछले 2 चुनाव में हमने लोकसभा में किस प्रकार से परफॉर्मेंस, हमारे मतदाताओं ने हमें जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, और इस बार क्या क्या काम हुए हैं प्रदेश में, उसको देखने के आधार पर अगर कोई न्यूट्रल व्यक्ति अगर आके अपनी कल्पना के आधार पर कहे तो पता लग जाएगा कि समाजवादी पार्टी की सीटें हिली पड़ी हैं और कांग्रेस कौन सा आकर के तीर छोड़ देगी। विधानसभा के चुनाव में क्या गति रही इनकी? और राहुल गांधी जी तो देखिए असल में क्या है कि वो हमारे कार्यकर्ता है, हम तो बड़े प्यार से उनको मानते हैं। वो जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है। वो जितना बोलते हैं, जितनी बातें वो करते हैं, उससे जनता को अनुमान और एनालाइज करने में आसानी होती है कि कौन सी पार्टी सही है। तो सब लोग कहते हैं कि नहीं हमारे तो मोदी जी ही ठीक है, तो मोदी जी ही आगे लेके चल रहे हैं और आगे लेके चलेंगे। बाकी अधिकार है, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान के आधार पर इनको बात कहने का अधिकार है, इनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, इनको जमानत जब्त कराने का अधिकार है, इनको नोटा से कम वोट भी पाने का अधिकार है। तो आम आदमी पार्टी हर चुनाव से पहले क्या इतिहास रचती है और चुनाव के बाद क्या टिकट टिप्पणियां होती है सब देखने बनेगी। इस पर सीरीज उस पर अच्छी बनेगी, लेकिन हवाई बातें करना और जमीन पे उतरना ये दो अलग अलग चीजें हैं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इनका दूर दूर तक तो किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भरत जी, क्या कांग्रेस इतनी मजबूर हो गई है? क्योंकि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि कांग्रेस की मजबूरी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे ज्यादा जिसने शासन किया उस पार्टी को मजबूर होकर ऐसा करना पड़ रहा है, स्ट्रैटेजी क्या है? काजल जी, कांग्रेस की चलिए मैं मान लेता हूँ कांग्रेस की मजबूरी है, चार सीट का दावा ये लोग करते हैं, चार सीट का दावा करने वाली पार्टी की क्या मजबूरी हो गई कि वो 38 दलों से गठबंधन कर रहा है? उसको क्या मजबूरी हो गई कि वो जो है दागियों को ईडी और सीबीआई के माध्यम से धमकी देके अपनी पार्टी में लेके और जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं उसको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, किसी किसी को तो राज्यसभा भी भेज रहे हैं, आखिर उनकी क्या मजबूरी है? अगर आप ये मुझसे सवाल करती है कि आपकी क्या मजबूरी है कि आप जो छोटी पार्टियों से या जो क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, तो भाजपा की मुझसे ज्यादा मजबूरी शायद हो गई है। आज मुझे लगता है कि भाजपा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है कांग्रेस पार्टी, इसलिए ये कर रहे हैं। आप इसका उत्तर तो मिल गया होगा। दूसरा उत्तर मैं आपको देना चाहता हूं, आपने संजीव निगम जी से ये पूछा कि ईवीएम पे भाई क्यों आप नहीं वो सवाल उठाते जब आप दिल्ली में जीतते हैं, जब आप हिमाचल में जीतते हैं, कर्नाटक में जीतते हैं। सही कहा, देखिए चोरी है ना काजोल जी, दो तरह से होती है चोर, चोरी भी दो तरह से चोर करते हैं। एक चोरी होती है कि पूरा घर साफ कर दो, घर साफ कर दो तो पूरा कोई टेंशन ही नहीं रहे, आदमी बोले चोर आया था चोरी करके चला। एक चोरी ये होती है कि जितना चोर को जरूरत होता है उतना ही लेके जाता है कि चलो भाई आज जो है 10,000 पड़ा था तो मैं इसमें से 7,000 लेके जाता हूँ, 3,000 छोड़ देता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे देखिए चोर कितना ईमानदार था बेचारा, 10,000 पड़ा था, 10 पूरा नहीं लेके गया, सिर्फ 7 ही लेके गया। तो वो इसलिए 7 लेके जाता है क्योंकि ये लोगों को समझ में आए कि भैया ईमानदार चोर है, क्योंकि चोरी भी करा तो भैया 7,000 3,000 छोड़ के गया। तो ये चोरी जो आपने कहा ना कि 2-4 राज्यों में चुनाव जीत जाते हैं आप कैसे जीतते हैं, तो ये एक हकीकत है, इसको काजल जी मानिए, आज का डेट याद रखिएगा, भविष्य में 4 साल 2 साल 5 साल के बाद आपको ये समझ में आएगा कि भरत सिंह ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। क्योंकि ईवीएम जो है वो भी बनाने वाला भी एक व्यक्ति है, तो क्या वो हैकिंग नहीं हो सकता है? दूसरी चीज, संविधान पे सवाल उठता है, संस्थाओं पे सवाल उठता तब है जब पूरा विपक्ष ये चाहता है कि हम मीटिंग करने को तैयार है, हम आने के लिए तैयार है, ईवीएम पे क्या खामियां बताने को तैयार हूं और तैयार है, लेकिन उसके पास अगर इलेक्शन कमीशन समय नहीं देता है तो ये समझिए दाल में कुछ काला है। तीसरा, मैं आपने ये कहा ये प्रदीप जी कर रहे भाजपा के कि नहीं जो मोदी जी जो कहते हैं वही सही है। देखिए कलयुग है, राहुल जी को इन्होंने तंज कसा कि राहुल जी की बात नहीं सुनते, क्योंकि सच्चाई कहा जाता है। और कलयुग में आपको तो पता ही होगा काजोल जी, कलयुग में क्या चलता है,
ज्यादा झूठ ही चलता है, 99.9% जो झूठ बोलता है वही सही लगता है। तो मोदी जी को इसका तो एकदम मुझे लगता है किसी किस यूनिवर्सिटी से पढ़े ये भी पता लगाना पड़ेगा, अब वो सर्टिफिकेट भी देखना पड़ेगा। तो मोदी जी जितना कहते हैं वो सारे के सारे झूठ कहते हैं। कलयुग में झूठ की बातों को ज्यादा सच्चाई से लोग को समझते हैं, लेकिन चाहत एक है और एक कहावत है कि दशा दस दिन चलती है या 10 साल चलती है। पाप का घड़ा भरता है और पाप का घड़ा भर चुका है और वो बहुत जल्दी फूटने वाला है। और यही घबराहट ये दिखाती है कि महाराष्ट्र से लेके पूरे देश में पार्टी के हर नेताओं को किस तरह से धक्काया जा रहा है, किस तरह से डराया जा रहा है, किस तरह से उन्हें अपने भारत जी एक मिनट प्रदीप जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए अब कांग्रेस का जवाब हम किस आधार पर दें, पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस की दिल्ली में बोहनी नहीं हुई, कोई एक सीट जीते नहीं और क्या रिजल्ट आया उस पर देखिए, इसका सम्मान या असम्मान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस का आधार खत्म हो गया, कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए हैं और उन्हीं के आधार पर ये बात करने के लिए चले आते हैं। बहुत लंबी है, मुझे था कि मुझे शो का समय जल्दी संज्ञान नहीं था, मैंने कहीं और समय दे दिया था, तो थोड़ा सा मेरा दिमाग अभी मैं एकीकृत करके आपको 2 सेकंड में बता देता हूं कि हम लोग दिल्ली प्रदेश में हम बड़े प्रसन्न हैं इनके जो गठबंधन हुए हैं। मैं सीधे सीधे राजनीतिक बात करता हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिला करके भी मैं चैलेंज देता हूं इनको, आपके शो पे चैलेंज देता हूं और बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, अगर एक भी खाता खुल जाए आपका दिल्ली में तो आप चर्चा करिएगा। लोकतंत्र में मत की चलती है और कलयुग में आप भरत भाई कलयुग की बात कर रहे थे, मैं जानता हूं 2009 में इन्होंने जो है शपथ पत्र दिया था कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है, ये भी उसी कलयुग के द्योतक है। तो आपने तो पहले मिसाल पेश की है, उस मिसाल को आगे लेके चला जाए तो फिर चर्चा और अच्छी लगेगी कि कलयुग में आप झूठ, कलयुग में ये। अरे मोदी जी के नेतृत्व में कितनी योजनाएं चल रही है और आप अगर एक बार गूगल सर्च करेंगे तो पहले 4 पन्ने वो योजनाओं के नाम पे ही आते हैं जो कि सबका नाम जल झूठ के हिसाब से चलाई जाती है। वो जितनी योजनाएं आपने लाए हैं वो सारे पार्टी का मत रख रहे हैं, आप भी लाए मत रख रहे हैं, मैं भी अपनी पार्टी का मत रख रहा हूं। मुझे कभी मुझे विस्मय होता है कि कांग्रेस का प्रवक्ता बनना क्यों कठिन काम है, कोई आधार नहीं है, कोई विचार नहीं है। आप लोग एकदम आधार विचार नहीं है आपका, बताइए चंडीगढ़ में आधार विचार आपने तो पार्ट में रख दिया, 450 गैस सिलेंडर देने की बात आपने कहा। अरे स्वीकार है न्यायालय, देश की जनता देख रही है, वो चंडीगढ़ की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली में डील पक्की हो गई है और इधर हरियाणा में भी डील पक्की हो गई है, गोवा में भी डील पक्की हो गई है, गुजरात में भी हो गई है, लेकिन बंगाल और पंजाब में अभी खाता कांग्रेस का नहीं खुल पा रहा है सीटों को लेकर। अब देखना है कि आने वाले समय में इंडी गठबंधन किस तरीके से आगे बढ़ता है और एनडीए की काट कैसे ढूंढ पाता है। फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।